हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, बिना बैंगन को भूने बिना उबाले। तो उसी की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मैं बताऊँगी आज आपको कि मैं किस तरीके से बैंगन का भरता बनाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले सारा सामान दिखा देती हूँ आपको। ये ले लिया है मैंने बैंगन, दो ले ली है मैंने प्याज, दो टमाटर ले लिए हैं, दो हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, और दो चम्मच ले ली है मैंने दही। तो अब मैंने सबसे पहले बैंगन को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस करे हैं। ये मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, टमाटर को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, और हरी मिर्च को बीच से दो पार्ट में लंबा लंबा काट लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है हरा धनिया। तो अब मैं सूखे मसाले निकाल लेती हूँ, क्या क्या मसाले मैं डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले डालूँगी नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग। यहाँ पर देखिए मैं ज़्यादा मसाले यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बैंगन का तासीर गर्म होता है ना ही, तो मैं इसमें इसलिए गर्म मसाला डालूँगी और खट्टाई भी नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें टमाटर और दही डाल रही हूँ। तो इसलिए ज़्यादा मसाले बहुत ज़्यादा नहीं यूज कर रही हूँ इसमें, सिंपली डेली यूज में जो हम मसाले खाते हैं सिर्फ वही डाल रही हूँ। तो इस तरीके से जब हम बैंगन का भरता तैयार करते हैं तो फटाफट से तैयार हो जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो मसाले भी हमारे तैयार हो गए हैं और हमारे बैंगन और प्याज भी कटकर तैयार है। तो अब मैंने कढ़ाई में चढ़ा लिया सरसों का तेल। तेल को गर्म होने के बाद थोड़ा सा डाल दूंगी उसमें जीरा, जीरा चटकने के बाद डाल दूंगी उसमें प्याज, दो मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ दो मिनट तक भूनना है, उसके बाद उसमें हम अपने मसाले मिक्स करके ऐड कर देंगे। अभी देखिए ये हमारी प्याज हो गई है तैयार मसालों के लिए। तो इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने मसाले तैयार किए थे सूखे, वो मसाले इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे, और जैसे ही हल्दी का कलर आ जाएगा उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें हम अपना टमाटर। तो ये सूखे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब इसमें हमने ऐड कर दिया अपने टमाटर। टमाटर को भी चलाते हुए मिक्स करेंगे, अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर चिकनाई ना छोड़ दें। जब टमाटर अच्छे से चिकनाई छोड़ देगा तो उसके बाद हम इसमें अपने बैंगन ऐड कर देंगे। अभी देखिए ये मैंने बैंगन ऐड कर दिए हैं, अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए दही हम सबसे बाद में डालेंगे, क्योंकि खट्टाई से फिर हमारे बैंगन जल्दी से पकेंगे नहीं, तो इसलिए दही को जब भरता तैयार हो जाएगा लास्ट में ऐड करेंगे। अब बैंगन को ढककर पकने देंगे। एक बार भाप लगाने के बाद ही बैंगन का भरता हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जब बैंगन का भरता आप बनाएंगे तो 10 मिनट में बैंगन का भरता तैयार हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए बैंगन का भरता हमारा तैयार हो गया है, इसे अच्छे से इस तरीके से मैश कर लेंगे, और मैश करने के बाद डाल देंगे इसमें हम अपनी दही। तो ये भरता अच्छे से तैयार हो गया है, अब इसमें ऐड कर देते हैं दही। ये मैंने दही डाल दी है, दही डालने के बाद बराबर चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाएगी। अब ये देखिए इस तरीके से, और जब इसमें दही अच्छे से पक जाएगी तो गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए ये बैंगन का भरता तैयार हो गया है हमारा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी अच्छा आया है। तो अब ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये मैंने यहाँ सर्विंग बाउल में निकाल लिया है बैंगन का भरता सर्व करने के लिए। तो आप सभी भी ट्राई कीजिए, और आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।